हेलो पीपल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम कूर्ग इन कर्नाटका। सो इट्स बीन आई थिंक 1 वीक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा है एंड मैं कूर्ग में हूँ, बट थोड़ा ब्रेक पे थी कह सकते हो। और जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा वो था वायनाड का इन केरला, एंड केरला का ट्रिप हमारा वहीं पे ख़त्म होता है। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी वायनाड से यहाँ पर कूर्ग, एंड इट वॉज 7 to 8 hours जर्नी और बस से आई थी, बट उसका मैंने अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लॉक नहीं किया था। एंड अभी मैं कूर्ग में, मुझे 7-8 days ऑलरेडी होने वाले हैं, एंड आज बेसिकली मैं जा रही हूँ कूर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक मैं घूमने भी नहीं गई हूँ, जस्ट जहाँ पे मैंने अपनी एकोमोडेशन बुक की थी वहाँ पे जस्ट आई वाज स्टेइंग। सो बिल्कुल चिल मोड में रेस्ट किया कुछ टाइम, क्योंकि इट वॉज़ कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग इन केरला एंड बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। बट कूर्ग में आके मुझे फाइनली मौका लगा कुछ रेस्ट करने का, आज मैं जा रही हूँ कूर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एज यूजुअल गाइस, इस वीडियो में आपको कूर्ग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन पता लगेगी, दैट हाउ टू रीच हेयर, लाइक वट आर द प्लेसेज टू विजिट हेयर, कितने दिन चाहिए, कैसे एक्सप्लोर करना है, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर जगह के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कूर्ग के बारे में। सो बस फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। वी आर सो क्लोज टू 30K, करवा दो यार 30K फटाफट, एंड बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद हाउ टू रीच कूर्ग। तो कूर्ग जो है वो मैसूर एंड बैंगलोर के बहुत ही पास पड़ता है। बैंगलोर से इसका डिस्टेंस है कुछ 250 किलोमीटर्स एंड मैसूर से कुछ 120 किलोमीटर्स। तो अगर आपको कहीं से भी इंडिया के किसी भी पार्ट से कूर्ग को एक्सप्लोर करने आना है तो आपको मैसूर या तो फिर बैंगलोर पहुँचना होगा। दोनों ही जगह आपको एयरपोर्ट मिल जाएंगे एंड वहाँ से डायरेक्टली आप बस पकड़ के या फिर कैब लेकर भी कूर्ग पहुंच सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ इन कूर्ग। मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी पे, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेकर जाती हूँ। एंड ये है द होस्टलर। अगेन मैं डॉम में स्टे कर रही हूँ एंड 600 to 700 rupees का कुछ पर डे का चार्ज है यहाँ पर। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने बुकिंग की थी। सो बिफोर आई लीव फॉर एक्सप्लोरिंग कूर्ग, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ इस थोड़ा प्रॉपर्टी का टूर, क्योंकि आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी जगह पे ये प्रॉपर्टी है। ये लेक है, पीछे पूरा फॉरेस्ट है। रात को ये फॉरेस्ट बाय द वे बहुत डरावना लगता है, अभी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट रात के टाइम इट इज़ हेल स्केरी क्योंकि पूरा फॉरेस्ट है। एंड ये है प्रॉपर्टी, तो व्यू बहुत प्यारा है। चलते हैं ऊपर एंड दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, ऐसा दिखता है इनका ये हॉस्टल कूर्ग का, द होस्टलर, एंड दिस इज द व्यू। हियर आई एम स्टेइंग एंड यहाँ से भी व्यू देखिए, अगेन वही लेक का व्यू है। एंड यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, अगर आपको प्राइवेट रूम्स चाहिए देन यू कैन ऑल्सो बुक दैट। 3000 का कॉस्ट करता है, तो प्राइवेट रूम्स थोड़े महंगे ही होंगे, बट इफ यू आर टू पर्सन यू कैन डू दैट। एंड बजट ट्रैवलर्स के लिए जिन्होंने थोड़ा लॉन्ग स्टे करना है तो उनके लिए डोम इज अ परफेक्ट ऑप्शन। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि वट आर द प्लेसेस टू विजिट इन कूर्ग एंड यहाँ पर आकर आपको किस तरह एक्सप्लोर करना है एंड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड। बेसिकली गाइस, व्हेन यू हर्ड अबाउट कूर्ग, कूर्ग कोई एज सच अपने खुद में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बिकॉज कूर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका एंड कूर्ग के अंडर कुछ मेन टाउन आते हैं, जिसमें से फॉर श्योर आपने मडिकरी का नाम सुना होगा। सो कूर्ग का मेन बस स्टैंड इज मडिकरी एंड यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, नियरेस्ट वन है बैंगलोर एंड मैसूर का। दैट्स वाई आपको यहाँ पे बैंगलोर का काफ़ी क्राउड देखने को मिलता है। इवन जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पर वीकेंड पे भी काफ़ी आईटी वर्कर्स बैंगलोर से आते हैं, लाइक जस्ट टू हैव सम वीकेंड ट्रिप एंड स्मॉल गेट अवे। बैंगलोर वालों के लिए, मैसूर वालों के लिए तो ये परफेक्ट लोकेशन है साथ में कोई हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने के लिए। हिल स्टेशन कहने के लिए वैसे है, आप देखोगे यहाँ पर बहुत गर्मी है, सो
बल्कि मेरे फेस पर भी आप स्वेटिंग देखोगे, तो यहाँ पे गर्मी है। अच्छा, कुर्क के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मडिकरी इज़ द मेन टाउन, तो आपको अगर अपनी एकोमोडेशन मडिकरी में आप देखना चाहते हो तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर मेन टाउन में ही, एंड यहाँ से वो 12-15 किलोमीटर्स है। मैं वैसे सबसे पहले वहीं जा रही हूँ, वहीं से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगी। अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, लेट्स सी मैं शाम तक क्या एक्सप्लोर कर पाती हूँ। बात आती है एक्सप्लोर करने की मोटर ट्रांसपोर्ट की, मैंने यहाँ पर इस बार तो स्कूटी रेंट पे कर लिया बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लोर ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट। स्कूटी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक एक लड़की मुझे ऐसे ज्वाइन कर सकती है तो मुझे थोड़ा शूट करने में इजी होगा। गाइस, वैसे दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस दैट यू कैन विजिट इन कुर्क। यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिली है, तो ये भी आप लाइक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको पहले ही मिल गई, एंड मैं स्टार्ट करूँगी ये डे वन मडिकरी से। देखते हैं, मैं सनराइज के टाइम तो यहाँ नहीं जा पा रही, क्या होता है लेट्स नाउ। स्कूटी रेंटल के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मडिकरी में बहुत सारे मिल जाएंगे, एंड 500 to 600 रुपीस कुछ ये वन डे का कॉस्ट आता है, डिपेंड करता है सीजन पे। मडिकरी फोर्ट पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड है अभी बिकॉज टुडे इज रिपब्लिक डे। बाय द वे, इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप तो बाद में देखोगे वीडियो, बट जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन आज 26 जनवरी है, तो छुट्टी है सबकी, एंड ये फोर्ट अभी बंद है, मैंने देखा लॉक लगा हुआ है। एंड क्या है ये, इट्स अ बेसिकली वेरी गुड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एंड देख सकते हो अंदर से बहुत ही छोटा है, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे एक्सप्लोर करने में, बट अभी तो ये क्लोज्ड है। अदरवाइज इसकी क्या टाइमिंग्स रहती है एंड क्या एंट्री टिकट रहती है वो आपको स्क्रीन पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड कुछ ऐसा दिखता है, बट फोर्ट बहुत ही छोटा है। आई वॉज थिंकिंग कि बहुत बड़ा फोर्ट होगा तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे यहाँ पर, एंड अभी तो बंद है। सी गाइस, इट इज़ क्लोज टुडे, एंड ये इन्फॉर्मेशन है। एंट्री टिकट इज सिर्फ 10 रुपीज, एडल्ट्स की एंड बच्चों की सिर्फ 5 रुपीज। विच इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मडिकरी मेन टाउन एंड मडिकरी फोर्ट, तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, एंड थैंकफुली दिस इज़ ओपन ऑन द पब्लिक डे। तो राशा टॉम सिर्फ 10 रुपीज़ की टिकट है, दिखाती हूँ आपको, फीलिंग आ रही है कि ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और कैसा दिखता है, क्या है देखने के लिए, इन्जॉय कीजिए व्यूज। इसके राजा टॉम के अंदर एक छोटा सा टेम्पल है, फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू ये जगह अच्छी है। अगेन छोटा सा ही है तो आपको 10 मिनट एक्सप्लोर करने में लगेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे फोटोज वगैरह करने में।
पहुंच गए हैं अब एबी फॉल्स पे, जहाँ पे आई गॉट अ टिकट और टिकट जो प्राइस है वो अगेन 10 रुपीज़ ही है और यहाँ पर पार्किंग के भी चार्जेस हैं 10 रुपीज़ के। तो बेसिकली एबी फॉल्स इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द लास्ट प्लेस राजा टॉम। तो 5 किलोमीटर ड्राइव करके हम पहुँच गए हैं अब यहाँ पर एबी फॉल्स पे। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर जो मैं कहूँगी वाटरफॉल है यहाँ का, मतलब हर किसी के मुँह से मैंने सुना है कि एबी फॉल्स ज़रूर जाना। बात ये है कि जनवरी का मंथ है ये, आई एम नॉट श्योर कि कैसा फ्लो होगा वाटरफॉल का। इनसाइड द वाटरफॉल में आप स्विम भी नहीं कर सकते, बस दूर से फोटो क्लिक करके आप इन्जॉय कर सकते हो उस व्यू को। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, नो डाउट, काफ़ी बड़ा है। एक्सपेक्टेशन से भी फ्लो कम होगा बट नहीं, फ्लो अच्छा है जनवरी तो मॉनसून में सोचिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा फ्लो देखने को मिलता होगा। मॉनसून की जगह पूरी मतलब फेमस है, तो मॉनसून सही टाइम वैसे वही भी है, मॉनसून ही है यहाँ पर आने का, एक्सप्लोर करने का। एबी फॉल से वापस आते वक्त हमें एक डायवर्शन दिखी एक रास्ते की, जहाँ से मंडलपट्टी आप जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ मंडलपट्टी, बेसिकली वो सनराइज़ के लिए जगह फेमस है। अब मैं सनराइज़ के टाइम तो वहाँ नहीं गई एंड आपको यहाँ से जीप सफारी हायर करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस होते हैं 2500 रुपीज़ एंड उसमें 5 पीपल को बैठना लाइक अलाउड है। नाउ ये आफ्टरनून का टाइम था, सो मी एंड माई फेलो ट्रैवलर डिसाइडेड एट वी आर नॉट गोइंग देयर, बिकॉज अभी इतना वर्थ इट नहीं होता वहाँ पे जाना, बिकॉज वो एक खुली जगह है, एक व्यू पॉइंट है एंड इतनी धूप में शायद हम इतना मज़ा ना आता। बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपको ये जगह एक्सप्लोर करनी है, कवर करनी है, देन डू कम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अर्ली मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर आ जाइए 5 बजे के अराउंड एंड सनराइज के टाइम वहाँ पर पहुँचिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कुर्क के एक बहुत ही सुंदर से बेस्ट कैफे में। लंच का टाइम है तो लंच करते हैं, आराम से बैठते हैं वहाँ पर। मोस्ट पॉपुलर कैफे ऑफ कुर्क, मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ, बिकॉज आपको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे 6-7 डेज से रह रही हूँ, तो आई थिंक उसमें से 2 दिन तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, बहुत अच्छी वाइब है प्लेस की एंड कॉफ़ी लवर्स के लिए तो दिस इज़ हेवन, आई टेल यू वाई, बिकॉज मैंने जहाँ तक सुना है इनके पीछे कॉफ़ी प्लांटेशन है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करके 300-400 रुपीज़ आपको यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन का फ्रूट देते हैं। सेकेंडली आप यहाँ पर कॉफ़ी ग्राइंडिंग लाइव होते हुए देख सकते हो, ये आपके सामने करते हैं, आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स भी है यहाँ पर। सो यहाँ की कॉफ़ी बहुत पॉपुलर है, वाइब बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं खुद क्रंच करती हूँ यहाँ पर, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ खाना खाते हैं एंड अभी दोपहर का टाइम है, 1-2 घंटे यहीं बैठूंगी एंड फिर जाएंगे हम एक ब्यूटीफुल सी जगह पे सनसेट देखने के लिए, बट उससे पहले लेट्स गो इनसाइड, अंदर बैठते हैं, खाना खाते हैं। सो वी ऑल नो दैट कुर्क को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं एंड मे बी बिकॉज ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशंस, बिकॉज स्कॉटलैंड में भी कॉफ़ी की बहुत प्लांटेशंस होती है एंड सो इन कुर्क, तो यहाँ पर कॉफ़ी की आपको बहुत अच्छी हाई क्वालिटी मिल सकती है एंड इस कैफ़े में आइए, यू कैन शॉप फ्रॉम हेयर, बहुत सारी कॉफ़ी परचेज करके लेके जाओ, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉफ़ी के बारे में नॉलेज लेनी है तो अगेन यू कैन ऑल्सो हैव दैट एंड डोंट फॉरगेट टू हैव सम डिलीशियस मील हेयर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई नो वन मोर रेस्टोरेंट जहाँ पर आप कुर्क का लोकल क्विजीन ट्राई कर सकते हैं, सो इफ यू आर अ फैन ऑफ लाइक लोकल डिशेज तो यहाँ पर आकर कुर्क क्विजीन के रेस्टोरेंट है, यू कैन ट्राई हेयर। अब शाम का टाइम है, आप सबको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह जहाँ पर हम करेंगे सनसेट एंजॉय।
देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। राजा सीट के एंट्री पे इट लुक्स डैम प्रिटी। एंड ऑफ दिस वीडियो एंड माई डे इन कुर्ग। वैसे मैंने आपको बताया था कि कुर्ग में और भी बहुत प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, बट मेरे पास सिर्फ एक दिन था यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए, एंड एक दिन में आप ये सब कवर कर सकते हो। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ प्लेसेस देखनी है जो कि यहाँ से 20-30 किलोमीटर्स तक दूर दूर है, उसके लिए आपको एक या दो दिन एक्स्ट्रा और चाहिए। सो या विद दिस आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ अब मैं कहाँ जा रही हूँ, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक कम्प्लीटली सरप्राइज है। सरप्राइज तो नहीं कहूँगी बिकॉज यू गाइस नो दैट आई एम हेडिंग टू दुबई, बट दुबई मैं क्यों जा रही हूँ, क्या पर्पस है, कहाँ से जा रही हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी एक सस्पेंस में है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ही रिवील कर पाऊँगी। बाकी इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल मेरे को निकलना है किसी और जगह पे, जिसका ब्लॉग आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो वही होगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक दिन के लिए मैंने आपको दिखाया कि आप कुर्ग में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।